गुड मॉर्निंग। चैप्टर चल रहा था देखो 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में वर्ग 16 के तत्व पढ़े थे। ठीक है, आज पढ़ेंगे देखो वर्ग 17 के तत्व। वर्ग 17 के तत्व। ठीक है, अब वर्ग 17 में क्या क्या लिखेंगे देखो, जो नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग। एक तो सामान्य परिचय, वर्ग 17 के तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है, इनकी उपलब्धता क्या है, ठीक है, कौन सा तत्व भूपरपटी में कितने प्रतिशत उपलब्ध है, ठीक है, इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इनके गुण क्या होंगे, ठीक है, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, ऑक्सीकरण अवस्था, रासायनिक क्रियाशीलता की प्रवृत्ति, विद्युत ऋणता, धात्व की अधात्व गुण, ठीक है, तो इन सब में परिवर्तन किस प्रकार होगा। फिर दो यौगिक पढ़ने हैं, एक तो Cl2 क्लोरीन और एक HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो केवल ये दो गुण पढ़े, दो यौगिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करें देखो वर्ग 17 की, तो वर्ग 17 में कौन कौन से तत्व देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ठीक है, वर्ग 17 के तत्व कौन कौन से होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ठीक है, तो आवर्त सारणी में वर्ग 17 में, ठीक है, ये तत्व उपस्थित है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ठीक है, अब वर्ग 17 के तत्वों को क्या नाम दे देते हैं देखो, हैलोजन। वर्ग 17 के तत्वों को क्या नाम दे देते हैं, हैलोजन। हैलोजन जो नाम दिया, हेलोएनी। ठीक है, यानी वर्ग 17 के जो अधिकतर तत्व है, ठीक है, वो किसका निर्माण करते हैं, लवण का। किसका निर्माण करते हैं, लवण का। ठीक है, इसलिए वर्ग 17 के तत्वों को क्या नाम दे देते हैं, हैलोजन। जैसे वर्ग 16 के तत्वों को क्या नाम दे देते हैं, कैल्कोजन। ठीक है, क्योंकि वर्ग 16 के अधिकतर तत्व किसका निर्माण कर रहे थे, खनिजों का, अयस्कों का निर्माण कर रहे थे, तो वर्ग 16 के तत्वों को क्या कहा था, कैल्कोजन। उसी तरह वर्ग 17 के तत्व किसका निर्माण कर रहे हैं, लवणों का, तो वर्ग 17 के तत्वों को क्या नाम दे दिया, हैलोजन। हेलो यानी लवण, लवण बनाने वाले तत्व। ठीक है, फिर बात करें देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, यानी वर्ग जो 17 के तत्व हैं, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, NH2 NP5। यानी इनके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, NH2 NP5। यानी इनके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। अष्टक पूर्ण करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इनकी मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था तो क्या होगी, -1 होगी। ठीक है, तो बात करें वर्ग 17 के तत्व कौन कौन से हैं, इनको हैलोजन कहते हैं, क्यों, क्योंकि हैलोजन लवण बनाने वाले। फिर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की तो NH2NP5, यानी बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अष्टक पूर्ण करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी हो जाएगी, -1। फिर ऑक्सीकरण अवस्था पड़ी थी वर्ग 15 और 16 में, सेम रिजल्ट चलेगा कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, ठीक है, तो कौन से गुण बढ़ते हैं, धात्विक गुण। कौन से गुण बढ़ेंगे, धात्विक गुण। ठीक है, धात्विक गुण बढ़ रहे हैं। ठीक है, धात्विक गुण बढ़ेंगे तो माइनस वाली ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व तो क्या होगा, कम। -1 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व क्या होगा, कम होगा। ठीक है, कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ेगा, प्लस वाली। ठीक है, +5 +7। कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायित्व जाएगी इनकी, प्लस वाली। क्यों, क्योंकि धातु गुण बढ़ रहे हैं, धातु गुण बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बजाय क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। धातुओं का मुख्य गुण क्या है, इलेक्ट्रॉन त्यागना। तो -1 की क्रियाशीलता कम होती जाएगी और प्लस वाली की क्रियाशीलता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, फिर खनिज दिया है देखो, इनके मुख्य खनिज दे रखे हैं, फ्लोराइड दे रखा है देखो, CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है, कौन सा अयस्क हो जाएगा, फ्लोराइड अयस्क हो जाएगा। ठीक है, और दे रखे हैं देखो, क्रायोलाइट दे रखा है, Na3AlF6, Na3AlF6 क्रायोलाइट। ठीक है, 6th चैप्टर था, हड़िया सिलेबस से, वहाँ पर पूरा टॉपिक था धातुओं का निष्कर्षण, ये कितने पदों में संपन्न हो रहा है। ठीक है, फिर बात करें देखो इनके गुणधर्म की, इनकी देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया था, NH2NP5, यानी बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख चुके थे, इलेवंथ में भी सीख चुके हैं, वर्ग 15-16 का भी देखा था। तो या तो 1:2 से स्टार्ट करें, ऊर्जा के अनुसार लिखें, या किसके अनुसार लिख सकते हैं, उत्कृष्ट गैसों के अनुसार, ठीक है। दोनों में से किसी के भी अनुसार क्या लिख सकते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, ठीक है। फिर दिया हुआ देखो, अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन। भाई भाई तो कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, सभी के 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, अष्टक क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, और ये जो तत्व है कैसे हो जाएंगे, इस तरह हो जाएंगे, ठीक है। फिर और जो भी गुण है देखो, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयन एंथैल्पी, विद्युत ऋणता, पहले पढ़ चुके, ठीक है, कि वर्ग में किस प्रकार प्रभावित होती है सारी चीज़ें, और ऊपर से नीचे जाएंगे, वर्ग में किस प्रकार प्रभावित होगी, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किस प्रकार प्रभावित होगी, ठीक है। बात करने देखो इनकी रासायनिक क्रियाशीलता की, रासायनिक क्रियाशीलता की बात करें देखो, उत्कृष्ट गैस से उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, ठीक है। इनके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। यानी उत्कृष्ट गैस विन्यास धारण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो उत्कृष्ट गैस से एकमात्र इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण सभी हेलोजन मुख्य रूप से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था पर चलेंगे, -1। बताया था भाई बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन लेते अष्टक पूर्ण हो जाएगा, तो इस वर्ग की मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, -1। हाँ, वो एक अलग चीज़ है कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे तो -1 का स्थायित्व क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, और प्लस वाली ऑक्सीजन अवस्था का स्थायित्व क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यह हुआ देखो, -1 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं मुख्य रूप से, परंतु क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के पास रिक्त डी कक्षक भी उपस्थित है। फिर बात की थी देखो, वर्ग 15, 16 और 17 इन तीनों वर्गों का जो पहला तत्व जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इन तीनों तत्वों के गुण, भाई नाइट्रोजन के गुण अपने वर्ग के अन्य तत्वों से भिन्न होंगे, ऐसा मान व्यवहार, ऑक्सीजन का भी क्या देखा था, ऐसा मान्य व्यवहार, उसी तरह क्लोरीन का भी अपने ग्रुप में व्यवहार कैसा होता है, ऐसा मान्य होता है। कारण वही आ जाएंगे, एक तो क्या है, क्लोरीन के पास डी कक्षक कैसे हैं, अनुपस्थित है, ठीक है, आकार क्या है, छोटा है, ठीक है, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयन ऊर्जा, इन दोनों का मान क्या है, उच्च। तो चाहे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन, तीनों में से किसी के भी असामान्य व्यवहार की बात करें, चारों कारण क्लियर है। इनके पास डी कक्षक अनुपस्थित हैं, आकार छोटा है, विद्युत ऋणता, आयन ऊर्जा का मान क्या होता है, अत्यधिक होता है, जिस कारण ये व्यवहार में कैसे हैं, असंगत है। और फ्लोरीन के पास देखो डी कक्षक अनुपस्थित है, तो ये एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता। भाई 9 नंबर पे आ रहा है, बात करें देखो 1s2 2s2 2p5, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीकरण फ्लोरीन तो क्या दर्शाएगा, केवल -1, जबकि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इनके पास डी कक्षक उपस्थित है, जिसके कारण ये अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो फ्लोरीन तो कौन सी करेगा, केवल -1, कारण आ जाएंगे चारों, डी कक्षक अनुपस्थित है, अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता, जबकि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के पास डी कक्षक उपस्थित होते हैं, ठीक है, इसलिए अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित कर देते हैं। तो दिया हुआ देखो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रोन्नत होकर +1, +3, +5 तथा +7, तो भाई तो कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन भी क्या कर सकते हैं, त्याग सकते हैं, कब, जब धातु के गुण क्या होंगे, अधिकतम होंगे, ठीक है। कोई वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे तो धातु के गुण बढ़ेंगी, तो किसका स्थायित्व बढ़ेगा, प्लस वाली ऑक्सीजन अवस्था, ठीक है। क्लोरीन ब्रोमीन व आयोडीन की ये उच्च ऑक्सीजन अवस्थाएं केवल तभी प्राप्त होती है जब ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन, भाई सबसे अधिक विद्युतऋणी तत्व कौन है, एक तो फ्लोरीन और है ऑक्सीजन, अपने अपने आवर्त में बात करें तो सबसे अधिक विद्युतऋणता किसकी होती है, हेलोजन की, इस आवर्त में फ्लोरीन की, अपने आवर्त में क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की, तो सभी तत्व अपने अपने आवर्त में अधिक विद्युतऋणी है। लेकिन मान लो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, अब ये मान लो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करें, तो सर्वाधिक विद्युतऋणी तत्व कौन है, फ्लोरीन,
उसके बाद कौन है? ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन का आकार भी छोटा है और विद्युत ऋणता भी क्या होती है? बहुत अधिक होती है। इसलिए जब फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये किससे क्रिया करेंगे? फ्लोरीन और ऑक्सीजन से, ठीक है। तो क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं कब प्रदर्शित होगी? जब ये किससे क्रिया करेंगे? फ्लोरीन और ऑक्सीजन से क्रिया करें, ठीक है। फिर दिया हुआ देखो, सभी हैलोजन अणुओं की बंद वियोजन एंथैल्पी का मान, ठीक है, ऊर्जा का मान कम होने से, भाई बंद वियोजन एंथैल्पी यानी किसी बंद को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वो ऊर्जा क्या कहलाती है? बंद वियोजन एंथैल्पी या बंद वियोजन ऊर्जा। तो हैलोजन अणु मान लो जैसे F2 है, Cl2 है, तो हैलोजन अणुओं के बंद को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता क्या है? कम होगी, ठीक है, कम है। तथा इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? उच्च, ठीक है। इस कारण ये अत्यधिक क्या है? क्रियाशील है, आसानी से बंध तोड़ेंगे और किसी भी अन्य तत्व के साथ क्या कर लेंगे? क्रिया करके किसका निर्माण कर देंगे? यौगिक का। तो बंध वियोजन ऊर्जा कम है और इलेक्ट्रॉन लुप्ति एंथैल्पी क्या होती है? उच्च होती है, जिसके कारण इनकी क्रियाशीलता क्या होती है? अत्यधिक होती है, ठीक है। तो रासायनिक क्रियाशीलता की बात करेंगे, जो वर्ग 17 के तत्व किससे क्रिया करेंगे? हाइड्रोजन से, ठीक है। जैसे मान लो फ्लोरीन है, किससे क्रिया करनी है? हाइड्रोजन से। तो फ्लोरीन की कितनी? -1, हाइड्रोजन की कितनी? +1। प्लस वन इधर, -1 इधर, यानी क्या बन गया? एच। भाई अधिक विद्युतीय तत्व कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन अधिक विद्युतीय तत्व का आता है हमेशा पीछे, तो क्या बन जाएगा? HX। जब हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन से क्रिया करेगी H2, तो किसका निर्माण कर देगी? HX का। किसका निर्माण हो जाएगा? HX, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, चाहे HF हो, HCl हो, HBr हो, HIO, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। फिर बात करिए ऑक्सीजन के साथ क्रिया की, तो देखो हैलोजन भी अधिक विद्रोणी तत्व है, ठीक है, और जो भाई हैलोजन क्या है? स्वयं अधिक विद्रोणी तत्व है, और ऑक्सीजन की विद्रोणता भी क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। तो देखो हैलोजन ऑक्सीजन से संयोग करके बहुत से ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। जैसे फ्लोरीन की बात करें तो O2F2, ठीक है। तो दो प्रकार के ऑक्साइड करके देखो O2F2, इनमें से कौन स्थायी होगा? केवल O2, वो भी कितने टेम्परेचर पे? 298 केल्विन पे, ठीक है। दोनों ऑक्साइड अस्थाई है, क्यों? ये स्थाई है कितने टेम्परेचर पे? 298 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से भी क्या होती है? अधिक होती है, और फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों विद्युत ऋणी है। अब फ्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक है तो फ्लोरीन को माइनस में दर्शाएगा, उस समय ऑक्सीजन किस में दर्शाएगा? वो प्लस में, ठीक है। तो 2 इधर 1 इधर, यानी क्या बन जाएगा? OF2, ठीक है। और दे रखिए देखो क्लोरीन के, इनके क्लोरीन के ऑक्साइड दिए हुए हैं Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7, अत्यधिक क्रियाशील है, ऑक्सीकारक और कैसे होते हैं? विस्फोटिक प्रकृति के, यानी क्लोरीन के जो ऑक्साइड है किसी के भी साथ क्रिया करेंगे तो उस यौगिक का क्या कर देंगे? ऑक्सीकरण कर देंगे, ठीक है, यानी प्रकृति कौन सी हो जाएगी? ऑक्सीकारक। स्वयं का क्या कर रहे हैं? अपचयन कर रहे हैं, ठीक है। और दे रखिए ब्रोमीन का ऑक्साइड दे रखे देखो Br2O, BrO2, BrO3, अत्यधिक कम स्थाई है, ठीक है, अत्यधिक अक्रियाशील है। आयोडीन का ऑक्साइड दे रखे I2O4, I2O5, I2O7, अविलय ठोस होते हैं, जल में अघुलनशील है, ठोस अवस्था में होंगे, क्योंकि आयोडीन का आकार क्या होता है? बहुत अधिक होता है, और धातु की गुण भी क्या है? अत्यधिक है, ठीक है। फिर दे रखे देखो धातुओं की प्रतिक्रियाशीलता किसके साथ क्रिया कर ले? धातु के साथ, मेटल के साथ, ठीक है। तो हैलोजन जब धातु के साथ क्रिया करेंगे, ठीक है, जैसे मान लो Mg है, Mg के साथ कौन क्रिया कर ले? Cl2, तो क्या बना लेगा? MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ब्रोमीन कर रहा है तो क्या बना लेगा? MgBr2, मैग्नीशियम ब्रोमाइड का निर्माण कर लेगा। मरकरी के साथ दे रखा है उदाहरण Hg+Br2 या Mg+Br2, ठीक है। तो Mg+Br2 किसका निर्माण कर देगा? मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, ठीक है। तो जब हैलोजन धातुओं के साथ क्रिया करते हैं तो धातु हैलाइड का निर्माण करते हैं, तो हैलोजन से जो भी यौगिक बनेंगे वो सब यौगिक क्या कहलाते हैं? हैलाइड। हाइड्रोजन से बन रहे हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, धातु से बन रहे हैं तो धातु हैलाइड, ठीक है। फिर बात करें अन्य हैलोजन के साथ क्रिया, तो देखो एक हैलोजन अन्य हैलोजन के साथ क्रिया करें, ठीक है, जैसे मान लो फ्लोरीन है किसके साथ क्रिया कर ले? क्लोरीन के साथ।
तो एक हाइड्रोजन जब दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा तो जो यौगिक बनेगा एक्स एक्स डैश, ये क्या कहलाएगा? अंतरा हाइड्रोजन यौगिक। क्या कहलाएगा? अंतरा हाइड्रोजन यौगिक। अंतरा हाइड्रोजन यौगिक, ठीक है। चार प्रकार के देखो, एक्स एक्स डैश वन, एक्स एक्स डैश थ्री, एक्स एक्स डैश फाइव और एक्स एक्स डैश सेवन, ठीक है। अंतरा हाइड्रोजन यौगिक किसे कहा? कि जब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो जिस यौगिक का निर्माण होगा वह यौगिक क्या कहलाएगा? अंतरा हाइड्रोजन यौगिक कहलाता है, ठीक है भाई। यहाँ तक क्रिया क्लियर है। फिर बात करेंगे क्लोरीन और HCl, दो टॉपिक बचेंगे वर्ग 17 में, एक तो क्लोरीन और HCl। इन दोनों को बनाने की विधियाँ, इनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ठीक है, और इनके उपयोग, वो देखेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।